हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं, कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। जो भी लोग नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इसमें राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर की, और अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो आप सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ये है गाइज आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड सेवन ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ वांड्स, डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है द टावर। ओवरऑल एनर्जी में वार्निंग छुपी हुई है। अगर आप कांटेक्ट में हैं आज के दिन सतर्क रहिएगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कुछ ऐसा पता चल सकता है या कुछ ऐसी बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है जिसमें आपका ब्रेकअप हो जाए। लव लाइफ में टावर मोमेंट, किसी के कारण या आपके खुद के कारण या आपके पर्सन के कारण, बट यहाँ पे टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग आज के दिन में ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी लव लाइफ तो ख़त्म हो चुकी है या मेरी मैरिड लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है। जो बीत गई सो बात गई, ये वाली वाइब्स उनके लिए है जिनका बहुत बुरा हाल हुआ है लव लाइफ या मैरिड लाइफ में, बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है, या कोई झूठ आपके पार्टनर का आपके सामने आ गया है या आज के दिन आ सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपको आज के दिन में, अगर आप सिंगल हैं, तो आज के दिन में कोई बैड न्यूज़ आपको रिसीव हो, या आपका कोई सामान चोरी हो जाए, कोई गायब हो जाए सामान, या फिर आपको किसी अपने से ही धोखा मिल जाए। जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपके सामने बहुत अच्छा बनता है, बट आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है। आपको कहीं और से पता चले कि अरे उसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला। या आपका पार्टनर अगर है, बिजनेस पार्टनर, वहाँ पर आपको धोखा मिल जाए, कुछ ऐसा पता चले कि अरे आपके पीठ पीछे उसने ये किया वो किया एंड ऑल। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के साथ आज के दिन में हो सकती है। प्लस बैड न्यूज़ यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव टावर एंड हियर वी हैव डेथ कार्ड। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, या एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। तो आज का दिन चेंज लिया हुआ आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि लोकेशन चेंज हो, जॉब चेंज हो, बॉस चेंज हो, ठीक है, कलीग चेंज हो, कोई सिचुएशन चेंज हो, बट चेंज नज़र आ रहा है किसी तरीके का। इसके अलावा आज के दिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये कि आपके लाइफ में कोई न्यू मेंबर आ सकता है, किसी नए इंसान से दोस्ती हो सकती है, या आपका कोई पेट आपके घर आ सकता है। इसके अलावा पैसे को आज के दिन आप बहुत प्रोटेक्ट करके रखिए। पैसे खर्च बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आज के दिन में, बेफिजूल की खर्चे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, सडनली आपको ऐसा लगेगा अरे यहाँ पे 5,000 देना है, यहाँ पे 7,000 देना है, यहाँ पे 2,000 देना है, आपको ऐसा लगे यार बेकार के कितने खर्च हुए आज, ये वाली सिचुएशन है। या फिर आपने कुछ सामान ऑर्डर कर लिया, आपने पैसे दे दिए और बाद में रियलाइज़ कर रहे यार फालतू है, बेकार में पैसे चले गए, नहीं बंगाना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन। थोड़ा कंजूस आप रहना चाहते हैं बट कंजूस रह नहीं पाएंगे, पैसे निकल जाएंगे। इसके अलावा वी हैव प्रिंस ऑफ वांड्स विद प्रिंसेस ऑफ कप्स। रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आज के दिन आप अपने पार्टनर से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, और आप जितना ही पार्टनर से दूरी बनाएंगे, आपके सबकॉन्शियस में एनर्जी रहेगी कि यार एक बार देख लेते हैं, एक बार उनको स्पाई कर लेते हैं, एक बार उनसे मैसेज करके बात कर ले, क्या हो सकता है कि अच्छे से बात हो जाए, हो सकता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सब दूर हो जाए, फिर आपको लगेगा नहीं 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 देख लेते हैं, देख के सुकून मिल जाएगा, फिर दूर हो जाएंगे, ये वाली सिचुएशन रहेगी। मतलब आप परेशान हैं, थोड़ी सी बात हो जाए बस, एक बार देख ले,
एक बार कॉल कर ले, एक बार आवाज़ सुन ले, ये वाली एनर्जी है। और ये उनकी ज़्यादा है जो या तो बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है और या तो धोखा खाए हैं। मतलब आपका दिमाग और दिल धोखा खाने के बाद भी भूल नहीं पा रहा उन्हें, ऐसा एक आपके ऊपर उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट किया है कि आपको पता है कि वो शख्स आपके लिए ठीक नहीं है, आपका दिल कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा कैसे भी आ जाए, चाहे जैसा है टेढ़ा है बट मेरा है, ये वाली एनर्जी है। तो ये वाली सिचुएशन आज के दिन कुछ लोगों की हो सकती है। आपके पार्टनर की एनर्जी में फर्स्ट कार्ड वी हैव स्ट्रेंथ, सेकेंड वी हैव जजमेंट, दो दो मेजर अरकाना, थर्ड वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एम्पर, फोर ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स। देखिए सबसे पहले तो आज के दिन आपके पर्सन की वाइब्स ऐसी है जैसे कि इनके मन में आपको लेकर बहुत विचार आएंगे, विचारों में डूब जाना, विचारों में खो जाना, ये वाली एनर्जी है। बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत रोमांटिक सी वाइब्स है। आपको याद करके ही मुस्कुराहट आ रही इनके चेहरे पर, चाहे कितने भी बिजी हों, चाहे कितने भी मुश्किल से मुश्किल हालात में हों, कहीं झगड़ा चल रहा हो और ये मुस्कुरा रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। इनको मन ये कह रहा, इनका सबकॉन्शियस ये कह रहा कि तुम्हें इसी व्यक्ति को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी चाहिए, लेकिन ये मन की और इंट्यूशन की सुन तो रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे। लेना चाहते ज़रूर हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ने अपने घर पर बात की है या करने वाले हैं बट डर रहे हैं, या तो किया नहीं है अभी डर रहे हैं, इन्हें ऐसा डर है कि वो मना कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे प्रपोज़ल, और या तो फिर ये कर चुके हैं और उन्होंने मना कर दिया है। ये सिचुएशन, दो सिचुएशन है यहाँ पर, डिसअपॉइंटमेंट है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर को आज इनके बॉस से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, झगड़ा कर सकते हैं, बॉस से किसी बात पर बहस हो सकती है, काम अच्छा नहीं कर रहे, दिमाग नहीं लग रहा, या फिर अगर ये खुद बॉस हैं तो ये अपने स्टाफ पर गुस्सा निकाल सकते हैं। मतलब आपकी जो भी एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, वो सारा पावरफुल एक्शन ये किसी और पर निकाल दें, गुस्सा किसी और पर निकाल दें, ये भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। देन वी हैव स्ट्रेंथ एंड जजमेंट विद द एम्परर। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन अपने घर वालों से बात करेंगे, निर्णायक फैसला होगा, और ऐसी बात करेंगे जैसे ये दिखाएंगे कि मैं पावरफुल हूँ और मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाली एनर्जी है। ऐसा शो करेंगे ताकि सामने वाले को लगे कि अगर मेरा बच्चा चला जाएगा मुझसे दूर तो बैलेंस कर लेते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कहीं हमारा बच्चा हमारे हाथ से ना निकल जाए, ये वाली सिचुएशन है। और इन्होंने बहुत प्लान किया है, बहुत हिम्मत इकट्ठा की है इस बात को कहने के लिए। करियर में इनका आज का दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बट हेल्थ वाइज थोड़ा प्रॉब्लम है आज आपके पार्टनर को। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है, माइग्रेन इश्यूज हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, पेट से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम इनको आज परेशान कर सकती है, या फिर चोट लग सकती है, जैसे सीढ़ी पर से गिर गए, फिसल गए, या छोटे मोटे कट्स, एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये इसलिए भी ये कर सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स को ये लगे कि यार मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ और टेंशन में मैं गिर गया, या टेंशन में मेरे साथ ये हो गया, या ये भी इनका एक प्लान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग के साथ आया है। ये भी नज़र आ रहा है कि आज के दिन कुछ लोगों के पार्टनर कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे, और ये जो डिसीजन है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड होगा या इनके करियर से रिलेटेड होगा। ज़्यादातर यहाँ लव की वाइब्स ज़्यादा हैं क्योंकि कप्स की एनर्जी है, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी, मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।